क्या फॉरएवर के बिजनेस को 5000 से स्टार्ट किया जा सकता है? मेरे पास बहुत सी कॉल्स और डीएम्स आते हैं कि सर मैं फॉरएवर में स्टार्टअप तो करना चाहता हूं बट मेरे पास इतना अमाउंट नहीं है कि मैं अपने 2C से कंप्लीट कर सकूं। सर क्या मैं 5K से स्टार्टअप कर सकता हूं यहां पर, क्या ये एथिकल है? तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया जाए जहां पर आप लोगों को प्रॉपर समझ आ सके कि जो हमारा बिजनेस का स्टार्टअप होता है अगर आपके पास उतना अमाउंट नहीं है तो क्या आप 5K से स्टार्टअप कर सकते हो और क्या ये एथिकल है। बने रहना वीडियो में एंड तक, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो ज्यादा टाइम की ना करते हो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जब आपकी ट्रेनिंग्स पूरी होती हैं उसके बाद में आपको 2CC प्लान मिलता है जिसमें आपको बताया जाता है कि स्लो मोड के बारे में, फास्ट मोड के बारे में एंड मीडियम मोड के बारे में। अब बात करें अगर फास्ट मोड की, तो फास्ट मोड में ये होता है कि आपको एक बार में 2CC डन करनी होती है। अब उसको आप चाहो तो 2 महीनों के कॉम्बिनेशन में कर सकते हो, किसी एक सिंगल मंथ में 17,000 करके एंड सेकेंड मंथ में आप 17,000 की बिलिंग करके भी अपने जो 2CC होती है उसको कम्प्लीट कर सकते हो। एंड यहाँ पर फिर उसके बाद बात आती है कॉम्बो ऑफर की, कि यहाँ पर फॉरएवर में आपको कॉम्बो ऑफर भी मिलता है। बहुत से लोग को ये लगता है कि जो ये कॉम्बो ऑफर होता है वो सिर्फ फेस्टिवल में आता है या रक्षाबंधन है, दिवाली है, तभी यहाँ पर कॉम्बो ऑफर मिलता है, तो ऐसा नहीं होता। फॉरएवर में कॉम्बो ऑफर रहता है, आप चाहो तो कॉम्बो ऑफर के अंदर भी अपना स्टार्टअप कर सकते हो। बट यहाँ पर आपको एक स्लॉट को भी अपने 28,000 का होता है तब आपको एक स्लॉट में अपनी 28,000 में अपनी 2CC डन करनी होगी। अगर आपके पास उतना अमाउंट नहीं है तब आपके पास एक ऑप्शन आता है जो कि होता है 5K का। बट यहाँ पर भी आपको कुछ बेनिफिट्स देखने हैं। 2CC करने में बेनिफिट्स होते हैं बट 5K का जब आप बिलिंग करते हो तब आपके बेनिफिट्स भी होते हैं और कुछ लॉस भी होते हैं। एंड अगर बात करें हम प्रॉफिट की, तो जब आप 2CC करते हो तब आपके पास ये अथॉरिटी होती है कि आप अपने बिजनेस को ग्लोबली कर सकते हो। मतलब कि आप किसी भी कंट्री से हो, आप इंडिया से हो, आप अपने बिजनेस को घर बैठे 172 कंट्री में एक्सपेंड कर सकते हो। आप किसी भी कंट्री के पर्सन को अपने बिजनेस में ला सकते हो, उसका स्टार्टअप करवा सकते हो। बट जब आप 5K से स्टार्टअप करते हो तब आपको यहाँ पर एक बेनिफिट ये मिलता है कि आपके पास उतना अमाउंट नहीं होता कि आप अपनी 2CC को कंप्लीट कर सको, तब यहाँ पर आप 5K से अपने बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हो जो कि एथिकल है। एंड सेकेंड प्रॉफिट यहाँ पर यह भी होता है कि जब आप अपना स्टार्टअप 5K से करते हो तब आपको जो आपकी इनकम आती है, जो आपका पेमेंट आता है, वो आपको एक असिस्टेंट सुपरवाइजर के इतना ही आता है। मतलब कि आपने 5K से बिलिंग की और आप अपने साथ में, एग्जाम्पल के लिए मैं अगर बात करूँ, एक पर्सन है अभिषेक नाम का, आपने उसका अपने साथ स्टार्टअप करवाया एंड उस पर्सन ने 2CC किया, तो आपको जो पेमेंट आएगा वो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर के इतना ही आएगा। अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर होते और किसी पर्सन को अपने साथ बिजनेस में लाते तब आपको यहाँ पर 25% मिलता, मतलब कि आपको 6,000-6,500 रुपये मिलता। उतना ही रुपये आपको 5K जब बिलिंग करके स्टार्टअप कर दो तब भी मिलता है, लेकिन तब यहाँ पर आपकी जो CC होती वो काउंट नहीं होती। तो फर्स्ट आपका यहाँ पर लॉस ये होता है कि आप जिस पर्सन का स्टार्टअप करवाते हो तब आपको पेमेंट तो 25% मिलेगा बट वो जो CC होती वो काउंट नहीं होती। लेकिन बात करें कि अगर आप 5K से स्टार्टअप करते हो तब आपको फॉरएवर की ओर से 2 मंथ का टाइम मिलता है जहाँ पर आपको 2 मंथ के अंदर अपनी 2CC कंप्लीट करनी पड़ेगी एंड वो भी 28,000 में नहीं बल्कि 34,000 रुपए में। तो आपको इस बात का भी याद रखना है कि 5K जब आप स्टार्टअप करते हो तब आपको फॉरएवर की ओर से 2 मंथ का टाइम मिलता है कि 2 महीनों के अंदर आपको अपनी 2CC कंप्लीट करनी है, 2 मंथ के अंदर अपने साथ कुछ पर्सन का स्टार्टअप करवाना है एंड उनके आए हुए पेमेंट से आप अपनी 2CC कंप्लीट कर सकते हो। तीसरी बात यहाँ पर ये आती है कि जब आप 5K से स्टार्टअप करते हो तब आप जो हमारा बिजनेस है वो आप इंडिया में ही कर सकते हो, आप ग्लोबली नहीं कर सकते। तो आप इंडिया के पर्सन को ही अपने साथ स्टार्टअप करवा सकते हो, किसी अदर कंट्री के पर्सन का स्टार्टअप नहीं करवा सकते। तो अगर देखा जाए तो 5K का जो बिजनेस है वो भी इतना गलत नहीं है। आपको टाइम मिलता है अपने 2CC कंप्लीट करने का, 2 मंथ के कॉम्बिनेशन में अपने 2CC कंप्लीट कर सकते हो, अपने बिजनेस को खड़ा कर सकते हो, लोगों को अपने साथ ला सकते हो। तो 2CC में आपको बेनिफिट मिलता है कि आप अपने बिजनेस को ग्लोबली कर सकते हो, किसी भी कंट्री में कर सकते हो, किसी भी कंट्री के पर्सन का अपने साथ स्टार्टअप करवा सकते हो। बट 5K में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता, आप अपने बिजनेस को सिर्फ इंडिया में ही कर सकते हो। प्लस आपको यहाँ पर 2 मंथ का टाइम मिलता है कि 2 महीनों के अंदर आपको जो अपनी 2CC है वो 34,000 रुपए में कंप्लीट करनी पड़ेगी। लेकिन 5,000 के नाम पर भी फॉरएवर के अंदर लोगों के साथ बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है। लोग उनका पैसा ले लेते हैं, फिर फोन नहीं पिकअप करते उनका एंड उतना सपोर्ट भी नहीं करते उन पर्सन को जो पर्सन के साथ 5K का स्टार्टअप करते हैं। तो आपको इस बात का याद रखना है, एक सही पर्सन के साथ आपको बिजनेस का स्टार्टअप करना है जो कि आपको इस बिजनेस के अंदर सपोर्ट कर सके। बिकॉज अगर आप फॉरएवर का बिजनेस कर रहे हो और यहाँ पर आपको सपोर्ट ही नहीं मिला तो आप यहाँ पर ग्रो भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आपको देखना है कि इन 2 तरीकों में से आप किस तरीके से अपने बिजनेस का जो स्टार्टअप है वो कर सकते हो। अगर आप 2CC करना चाहते हो 2CC से कर सकते हो, अगर 5K से करना चाहते हो तो 5K से कर सकते हो। तो होप वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। सो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में मुझे जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरे हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।